हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि वोडका बहुत सारी है मार्केट में, आपको हर एक बजट की वोडका मिल जाएगी, हर एक रीजन की वोडका मिल जाएगी, अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनी है, अलग अलग फ्लेवर से। लेकिन जब बात आती है पीने की, तो हमारा हाथ बढ़ता है मैजिक मोमेंट्स की तरफ। और अगर मैं बात करूँ मैजिक मोमेंट्स के सबसे पॉपुलर, सबसे फेवरेट फ्लेवर की तरफ, तो ऑब्वियसली मैजिक मोमेंट्स ग्रीन एप्पल इज द मोस्ट पॉपुलर। सो आज के वीडियो में हम टेस्ट करेंगे मैजिक मोमेंट्स ग्रीन एप्पल को और जानेंगे कि क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है ये पर्टिकुलर वोडका। पूरे देश में हर एक पीने वाले को अगर पूछा जाए कि कौन सी वोडका पसंद है, देन द आंसर विल बी मैजिक मोमेंट्स ग्रीन एप्पल। क्या है उसके पीछे का रीज़न और क्या बनाता है इस पर्टिकुलर फ्लेवर को एक यूनिक फ्लेवर जो हर किसी को पसंद आता है, आज के वीडियो में हम ये सब जानेंगे। सो इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ मैजिक मोमेंट्स के बारे में। जब मैंने मैजिक मोमेंट्स वोडका, प्लेन वोडका का रिव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर फ्लेवर के ऊपर, मैजिक मोमेंट्स ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल एक ऐसा फ्रूट होता है जो शायद हर किसी को पसंद नहीं होगा, बिकॉज उसका जो टेस्ट होता है काफ़ी स्वीट एंड सावर होता है, एज कम्पेयर टू रेगुलर रेड एप्पल जो काफ़ी मीठा होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। ग्रीन एप्पल जो टेस्ट होता है इज़ नॉट वेरी डिज़ायरेबल एंड आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों को वो पसंद नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम दैट फ्लेवर इज़ एक्सट्रीमली हिट विद वोडका। और शायद जो उसके प्लेन टेस्ट में खामियाँ हैं, वही रीज़न है कि क्यों वो हिट है वोडका के फ्लेवर में, क्योंकि एक प्लेन वोडका का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी ब्लैंड होता है, कई बार हार्श भी होता है, डिपेंडिंग ऑन विच वोडका यू आर हैविंग। बट विद द इन्फ्यूजन ऑफ ग्रीन एप्पल फ्लेवरिंग्स, इस वोडका का जो टेस्ट है काफ़ी स्मूथ बन जाता है। इट हैज़ अ नाइस बैलेंस ऑफ स्वीट एंड सावर, चाहे आप उसे ऑन द रॉक्स पीते हैं, पानी के साथ पीते हैं, सोडा, या फिर आई एम श्योर ज़्यादातर लोग जो करते होंगे स्प्राइट के साथ, इट टेस्ट एक्सट्रीमली टेस्टी। और सेकेंड रीज़न जो शायद इसकी पॉपुलैरिटी का है वो है इसका प्राइस। दिल्ली में आपको ये पूरी बॉटल मिल जाएगी फॉर ओनली ₹570। यस, इस प्राइस रेंज में आपको ऑब्वियसली काफ़ी विस्कीज भी मिल जाएंगी, बट द वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि जो भी विस्कीज मिलेंगी आपको उसमें कुछ हद तक एक शार्पनेस होगी, एक हल्की सी हार्शनेस होगी, हर इंसान शायद उसको नहीं पी पाएगा। बट देन देर इज़ अ सेकेंड ऑप्शन विच इज़ वोडका। फॉर ₹570, आई थिंक दिस इज़ द स्मूदेस्ट स्पिरिट दैट यू कैन गेट इन द मार्केट। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा स्मूथ, इससे ज़्यादा टेस्टी स्पिरिट आपको मिलेगी कहीं भी फॉर दिस प्राइस। और लोग कहते हैं कि शायद सिर्फ लड़कियों को पसंद है ये, बट मैं बोलूँगा कि दिस इज़ वन स्पिरिट विच एनी वन कैन ड्रिंक। और ये मिथ को भी मैं ब्रेक कर चुका हूँ अपने एक वीडियो में कि आदमी वोडका नहीं पी सकते, ऐसा कुछ नहीं है, एनी वन कैन ड्रिंक वोडका। इफ़ यू हैवन सीन दैट वीडियो, अगेन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो। तो चलिए आते हैं अपनी टेस्टिंग पर ऑफ दिस ग्रीन एप्पल वोडका। तो चलिए एक छोटा सा बोर कर लेते हैं और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये जो फ्लेवरिंग्स होती हैं वोडका में कैसे आती हैं, क्या उसमें सच में ग्रीन एप्पल डाले जाते हैं? वेल नॉट रियली, इसे जब वोडका डिस्टिल हो जाती है तो उसके बाद उसे इन्फ्यूज़ कराया जाता है कुछ फ्लेवर्स के साथ। ज़्यादातर वो जो फ्लेवर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, एंड दैट हैपन्स विद ऑलमोस्ट एवरी वोडका। और उसके बाद उसे फिर एक बार डिस्टिल कराया जाता है और उसके बाद आती है फ्लेवर्ड वोडका। सो इट्स नॉट रियली अ लिक्योर बिकॉज इसमें शुगर ऐड नहीं करी जाती, सिर्फ फ्लेवर्स ऐड कराए जाते हैं। डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन एप्पल नोट्स ऑन द नोज, हालांकि वो जो हार्शनेस है वो हल्की हल्की निकलकर बाहर आ जाती है, यू कैन फील इट ऑन द नोज, बट आई वुड से फिर भी इसका जो टेस्ट है काफी प्लेजेंट है, जो उसका नोट्स हैं काफी प्लेजेंट है ऑन द नोज। बट लेट्स टेस्ट इट एंड फाइंड आउट कि
टेस्ट करने में क्या मुझे स्मूथ फील होती है या फिर हल्की सी हार्श है व्हेन आई टेस्ट इट नीट। टेस्ट वेरी स्मूथ ऑन द टंग, थ्रोट में मुझे कहीं भी हार्शनेस फील नहीं हुई जब अंदर गई है। आई डिड नॉट फील कि एक बहुत ही चीप या बजट अल्कोहल है, जो नॉर्मली जब हमें इस प्राइस रेंज की विस्कीज या और कोई स्पिरिट पीते हैं, यू कैन फील दैट बाइट अपने आपके गले में, आपकी जीभ में वो फील होती है। बट व्हाइल आई टेस्टेड इट, इट डिडंट फील एनीथिंग लाइक दैट। इट हैज़ अ नाइस टेक्सचर टू इट बिकॉज इस बॉटल को मैंने पीते से पहले थोड़ी देर फ्रीजर में रख दिया था, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के लिए, एंड हैज़ अ नाइस टेक्सचर। आप भी ट्राई करके देखिए, आप अपनी वोडका को फ्रीजर में रख सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं कुछ देर के लिए पीने से पहले, और उससे वोडका के अंदर एक नाइस टेक्सचर आ जाता है। ऑल्दो इट्स वेरी प्लेजेंट टू ड्रिंक नीट, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी इसे नीट पीने में, बट आई वुड सजेस्ट कि इसे आप नीट मत पीजिए, इसे ऑन द रॉक्स पी सकते हैं आप। अदरवाइज मिक्स इट विथ सोडा, मे बी सम लाइम जूस या फिर स्प्राइट के साथ पी सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। इट शुड टेस्ट रियली नाइस। आई थिंक इट्स नॉट अ सरप्राइज कि क्यों ये वोडका इतनी पॉपुलर है। इट्स वेरी वेरी ईजी टू ड्रिंक, कोई भी इसे आसानी से पी सकता है, चाहे आप एल्कोहल नहीं पीते, आप शुरू कर रहे हैं, पहली बार पी रहे हैं, इवन देन दिस इज समथिंग विच शुड बी ईजिली सिपेबल, ईजीली ड्रिंकेबल फॉर एनी वन। अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग की, आई वुड से दैट दिस इज अ वेरी नाइस वोडका। समथिंग जो अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग की, अगेन एज ए सेड टेस्ट के मामले में इट इज़ डेफिनेटली वेरी गुड। चाहे आप किस भी बजट की वोडका पीते हो, दिस इज़ वन वोडका जो आप बहुत ही ईजिली पी पाएंगे, आपको नहीं लगेगा कि आप कोई चीप वोडका पी रहे हैं। इट टेस्ट क्वाइट गुड, सो आई विल गिव इट 8 out of 10 फॉर टेस्ट। और अगर बात करें वैल्यू फॉर मनी की, एज आई सेड फॉर 570 rupees दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग स्पिरिट इन द मार्केट। आई नो कि रम वाले बोल रहे होंगे कि भाई रम देखो, रम इतनी टेस्टी होती है। आई एग्री, रम इज ऑल्सो वेरी टेस्टी, बट आई वुड से कि दिस इज ऑल्सो ऑन पार विद सम नाइस रम्स। तो अगर आपको विस्की का टेस्ट काफ़ी हार्श लगता है इस प्राइस रेंज में, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई मैजिक मोमेंट्स। चाहे आप अकेले पीते हो, दोस्तों के साथ, या फिर अगर आपके घर में पार्टी हो, दिस इज अ वोडका विच यू कैन हैव। सो आई विल गिव इट 10 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी। सो इसका MB's मैन केव स्कोर होता है 9 out of 10। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो मैजिक मोमेंट्स ग्रीन एप्पल वोडका के ऊपर। कैसा लगा है आप लोगों को मुझे बताइए, और किस वोडका का रिव्यू देखना चाहते हैं आप मुझे बताइए, या कौन सी स्पिरिट का रिव्यू देखना चाहते हैं विस्की और रम के अलावा। रम की हमारी जो रम डायरी सीरीज है विल रिटर्न सून, सो डोंट वरी, सर्दी आने वाली है तो रम डायरीज भी वापस आएंगी। तब तक देखते रहिए मेरे सारे वीडियोज़, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।